देखो भाई, इससे पहले अभी आपने पहले वीडियो में देखा होगा बेटा, पहले वीडियो में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से डिस्कस किया। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपने वहां पे डेफिनेशन पढ़ी, यूनिट के बारे में पता किया, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको एक थ्योरी मिली थी वो भी किया। इसके बाद हम बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा, ईएमआई में। ईएमआई में जो नेक्स्ट पॉइंट आता बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसने इस ईएमआई के बारे में अच्छे से हमने बताया, हमारे को बताया, वो है आपके फेराडे लॉज। फेराडे लॉज क्या है, दो है भाई यहां पे, तो हम ये पॉइंट अब ये पढ़ेंगे। देखो फेराडे लॉज, दो है भाई। तो फर्स्ट लॉ देखो, डायरेक्ट हम डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार डिस्कस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई क्वायल है और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मींस कि हम उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे देखो बेटा, एक फिगर बनाता हूं मैं, मान लो ये अपने पास कोई क्वायल है, ये कितनी टर्न बनाई है, तीन दिख रही है तीन आपको, और ये नीचे लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया है, गैल्वेनोमीटर। और हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, ये कोई बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे ना। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे होएगा, जब किसी मैग्नेट को पास लेके जाओ या दूर लेके जाओ, वीक होएगा या स्ट्रॉन्ग होएगा, ऐसे ही होता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज। तो इन कॉइल्स का जब हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो इसमें क्या इंड्यूस होता है, शाबाश, क्या इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट, करंट इंड्यूस होएगा। ये तो है फर्स्ट लॉ, यानी कि ईएमआई की डेफिनेशन ही आपका क्या है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिख लो, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा। According to this law, when magnetic field change then a current induced इन द क्वायर, इंड्यूस इन द क्वायर, क्वायर के अंदर करंट क्या हो जाएगा बेटा, इंड्यूस हो जाएगा। कब, जब हम क्या चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट, पहला क्लियर होगी। दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इधर देखो, जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो ईएमएफ को किससे नोट करूं मैं, ई से, या ईएमएफ लिख देता हूं अभी मैं, जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली डिपेंड है, डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, चेंज इन फ्लक्स पे। चेंज इन फ्लक्स क्या होगा भाई, फाइव टू माइनस फाइव वन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डीटी, बस यही आपको वर्डिंग में लिखना है, चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली डिपेंड ईएमएफ, या ईएमएफ डायरेक्टली डिपेंड ऑन चेंज इन फ्लक्स। यानी कि जितना हम फ्लक्स चेंज करेंगे, फ्लक्स क्या था भाई, क्या था फ्लक्स, बी डॉट ए था ना, जितना हम फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ही क्या प्रोड्यूस होएगा, ईएमएफ। मान लो पहले तो पांच मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, पांच से फिर मैं कितनी कर दू, बीस कर दू, फिर पांच से पच्चीस करूं, तो कौन से केस में, पांच से बीस में ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा या पांच से पच्चीस में। वेरी गुड, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं डिफरेंस किस में ज्यादा आ रहा है, पच्चीस वाले में। तो यही डेफिनेशन आपकी सेकंड लॉ की बन जाती है, द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द कॉइल इज डायरेक्टली proportional to, directly proportional to the change in flux,
चेंज इन फ्लक्स। तो और मैथमेटिकली बेटा आप ये लिख लेना इसके नीचे, इस डेफिनेशन के नीचे मैथमेटिकली ये लिख लेंगे ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू फाइव टू माइनस फाइव वन बाय डी टी। क्लियर होगी। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चले फर्स्ट को मैथमेटिकल टर्म को, तो ये आप लिख सकते हैं ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी, डी फाइव बाय डी टी। वेयर डी फाइव क्या है, डी फाइव क्या है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। और ये क्या है, टाइम, टाइम चेंज। क्लियर होगी बेटा ये। तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन टाइम, फॉर्मूला बन जाता है आपके पास ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाय डी टी। क्लियर होगी, डी फाइव बाय डी टी। अभी है ना, मैं एक पॉइंट लगा लेता हूं यहां पे माइनस का सिंबल लगा देता हूं आपके लिए। माइनस का सिंबल एक क्यूरी है, क्यूरी आपके दिमाग में आ गई, वाई वी यूज नेगेटिव साइन हियर। इस क्वेश्चन को अभी आप अपने दिमाग में ही रखो, जब मैं आंसर बताऊंगा इसको तो आपको याद दिला दूंगा कि बेटा मैंने एक वहां पे क्वेश्चन दिया था आपसे कि वाई वी यूज नेगेटिव साइन हियर। क्लियर होगी। तो ये यहाँ पे दो लॉज है, फैराडे के टू लॉज की हमने। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल देन इंड्यूस्ड करंट इन इट, एंड जब वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंड्यूस्ड करंट या सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है। ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाय डी टी, माइनस क्यों लगाया, अभी आप इसको क्यूरी रखेंगे। क्लियर। अब देखो एक आध क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे बन जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ लिया मैंने, लेट द फ्लक्स चेंज इन कॉइल फ्रॉम 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वेबर टू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वेबर इन 0.1 सेकेंड, देन फाइंड then find the EMF generate in it. बिल्कुल सिंपल सा सम है, कर सकते हो बेटा, मैक्सिमम बच्चे कर सकते हैं। कैसे करोगे आप इसको, शाबाश। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, क्या ईएमएफ का फॉर्मूला, सोल्यूशन यहां पे कर रहे हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइड बाय डी टी था ना, तो माइनस ऑफ फाइव टू की वैल्यू क्या, फाइव टू फाइनल सिक्स है ना, तो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 माइनस 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय डी टी, टाइम कितना है 0.1। तो इसको आप लिख सकते हो माइनस माइनस 6 बचेगा यहां से, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 1 का डेसिमल ऊपर चला गया, यहां पे क्या बच जाएगा, 10 आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 बच गया, या आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो 0.06 वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ बेटा वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने पढ़ा है सेकंड यूनिट में, तो 0.06 वोल्ट आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर होगी ये बात, डन। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट फैराडे लॉज अपना ये क्लियर हो गया। फैराडे लॉज के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन छोटा मोटा ऐसे पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं लेंज लॉ पे। लेंज लॉ क्या कहता है सुनिए, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। मान लो ये अपने पास कोई क्वायल है एंड दिस क्वायल इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से, और ये अपने पास कोई बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ। अब सुनो,
फिर एक बच्चे के दिमाग में आ जाएगा सर ये गैल्वेनोमीटर आपने पीछे वाले फिगर में भी लगा दिया, अब भी लगा दिया, इसका पर्पज क्या है गैल्वेनोमीटर लगाने का। गैल्वेनोमीटर बेटा एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू मेजरिंग द करंट, विच इज यूज टू मेजरिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जो ही हम ये बार मैग्नेट या इसके क्लोज लेके जाएंगे या इसके दूर लेके जाएंगे तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ईएमएफ इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो करंट जब प्रोड्यूस होगा तो जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो डिफ्लेक्शन देगी, और डिफ्लेक्शन होते ही यानी कि वो हिलते ही हम पता लगा लेंगे भाई करंट जनरेट हुआ कॉइल में। अब करंट हम देख तो सकते नहीं, करंट किसकी हेल्प से पता चलेगी करंट की प्रेजेंस, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। व्हेन वी ब्रिंग अ बार मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ एंड ड्यू टू द ईएमएफ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। The presence of induced current can be determined with the presence of a galvanometer. अब लेंज लॉ क्या कहता है सुनो, बिल्कुल सिंपल। लेंज लॉ ये कहता है कि भाई इस बार मैग्नेट को जब हम आइदर कॉइल की तरफ या अवे फ्रॉम द कॉइल करें तो क्या चेंज होगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, कैसे चेंज होगा सुनो भाई। अब देखो बेटा बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब मैं एक केस ले लेता हूं, इस बार मैग्नेट को मैं दूर लेके जा रहा हूं, इससे ध्यान से सुनो। दूर लेके गया तो अपने पास कुछ ज्योमेट्री ऐसी बन गई, नॉर्थ साउथ, इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। अब एक बात सुनिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिखाई है मैंने एक बार और एक बार वहां निकाल रही थी, इस फिगर और इस फिगर में एक बार आप थोड़ा सी नजर डाल के देखो बेटा, सोच के देखो कौन से फिगर में कॉइल में से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जा रही है, आपको दिमाग में आया इसमें से जा रही है सर। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज्यादा पास हो रही है तो फ्लक्स इसमें ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा कम, तो इसका मतलब हम ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं फ्लक्स। बट एक पॉइंट अब यहां पे हो गया, जब हम इस बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो जो ये कॉइल है ना, ये कॉइल कुछ ऐसे काम करेगी, कंडक्टिंग मटेरियल की तो है, कुछ ऐसे काम करेगी कि इस बार मैग्नेट को जब हम दूर लेके जा रहे हैं तो दूर नहीं लेके जाने देगी। दूर कैसे नहीं लेके जाने देगी, सोचो दूर कैसे नहीं लेके जाने देगी, जब ये कॉइल खुद के ऊपर अगर साउथ पोल बना ले, खुद के ऊपर कौन सा पोल बना ले, साउथ पोल बना ले, तो नॉर्थ को क्या करेगा साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को क्या करेगा साउथ अट्रैक्ट करेगा। हम कॉइल को लेकर जा रहे हैं, देखो भी बिल्कुल स्लोली बोल रहा हूं मैं, स्पीड बिल्कुल कम कर दिया मैंने बोलने की यहां पे, क्योंकि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको ध्यान से समझना है। जब हम बार मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, कॉइल की तरफ कौन सा एंड है नॉर्थ, दूर लेके जा रहे हैं तो कॉइल कुछ ऐसे काम करेगी कि वो बार मैग्नेट को अपने से दूर नहीं जाने देना चाह रही है, कब कैसे नहीं देना चाह रही है, वो पकड़ तो सकती नहीं, क्या करेगी अपने अंदर खुद कौन सा पोल जनरेट कर लेगी, साउथ पोल जनरेट कर लेगी, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो साउथ बना ना अपने दिमाग में आ गया आइडिया कि साउथ पोल जनरेट कर लेगी, इस साउथ से ही हमें इस कॉइल के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाएगी, कैसे देखो एस का डाउनवर्ड ऐसे है, इसका ऐसे कर दो तो कॉइल के अंदर यहां करंट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मिल जाएगी इसके अंदर, यही लेंज लॉ है। यहां तक तो बेटा अपना फैराडे लॉ चल रहा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो ये मत जनरेट होगा, लेंज लॉ ने क्या कहा डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल दे कॉइल के अंदर, इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट किसने निकाल ली, लेंज लॉ ने, यही है लेंज लॉ।
यानी कि जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं किसी कॉइल का, तो वो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने देती, यानी कि बाहर मैग्नेट दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने देगी, पास आ रहा है तो पास नहीं आने देगी। अब पास वाली बात सुन लो, पास कैसे नहीं, अब मान लो मैं इस बार मैग्नेट को यहां से इस तरफ लेके चल रहे हैं, इस तरफ लेके चलेंगे तो अब ये किसका काम करेगी, नॉर्थ को, जब नॉर्थ के नॉर्थ को जब इसकी क्लोज लेके जाएंगे तो ये कॉइल अपने क्लोज भी नहीं आने देगी, क्लोज का भी अपोज करेगी। अपोज कैसे कर सकती है, जब यहाँ पे कौन सी पोलरिटी हो, नॉर्थ पोलरिटी हो। अब नॉर्थ बना देता हूं, देखो भाई मैं यहां हूं, ये नॉर्थ बन गया। अब नॉर्थ में देखो ऊपर वाली पीक पे एरो ऐसे बना दो, नीचे वाली पीक पे एरो ऐसे बना दो। अब देखो ये यहां से करंट ऊपर, ऊपर से ऐसे घूमता हुआ नीचे, देखो डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी ना, बिल्कुल हो गई भाई अपोजिट, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। क्लियर होगी बात। तो लेंज लो क्या बता रहा है, लेंज लो ये बता रहा है व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए कॉइल देन विद द हेल्प ऑफ लेंज लो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरी बात सुन लो, अब बेटा एक पॉइंट निकालो, पॉइंट क्या था, जब बार मैग्नेट को क्लोज लेके जा रहे हैं तो वो अपोज करेगा, दूर लेके जा रहे हैं तो अपोज करेगा। इस अपोजिशन की वजह से ही, इस अपोजिशन की वजह से ही E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी लगाया था मैंने। माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये ईएमएफ हमेशा ही अपोज करता है किसका, चेंज इन फ्लक्स का। ये ईएमएफ हमेशा ही अपोज करता है किसका, चेंज इन फ्लक्स का। क्लियर होगी, अपोज करेगा तो अपोजिशन के लिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन दिमाग में आ गया कि क्यों लगाया था और क्या क्या पर्पज है इसका लगाने का। अब लेंज लॉ की डेफिनेशन बेटा मैं यहां लिख देता हूं, नोट कर लो फटाफट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज of a coil, then EMF generating heat which is cause of production of which is cause of production of induced current and we can find the direction of this current with this loop. With the help of तो भाई लेंज ने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट हो गया तो करंट जनरेट हो गया, और इस करंट की डायरेक्शन हम इस एला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया। क्लियर हो गया बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आप आज इतना ही काम करें, निपटाइन को अच्छे से समझे, डायरेक्शन का मैटर है, डायरेक्शन का मैटर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।